अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन काउंट ऑन बुक 3. टेक आउट योर पेज 148. टुडे वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वन पेज पेज 148 एंड 149. वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर पार्ट 1 टू 10 ऑन बोथ पेजेस ऑन नोटबुक. वी विल स्टार्ट द वर्क ऑन नोटबुक नाउ. सो लेट्स टेक आउट द नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट 24/9/2020, क्लास वर्क एंड थर्सडे. यूनिट नंबर इज 5 एंड नेम ऑफ यूनिट इज मेजरमेंट. पेज नंबर यू विल राइट देन. पेज नंबर इज 148 एंड 149. टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट. नंबर वन, सना हैज़ टू पीसेज ऑफ क्लोथ. वन पीस इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द अदर इज 3 मीटर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द टू पीसेज. ठीक है, दोनों लेंथ्स को आपस में ऐड करना है और आपके पास लेंथ ऑफ बोथ पीसेज आ जाएंगी 4 मीटर 20 सेंटीमीटर. नंबर टू इज अ रोल ऑफ रोप इज 200 मीटर लॉन्ग इफ 127 मीटर इज यूज, वट लेंथ ऑफ रोप इज लेफ्ट. ठीक है, 200 मीटर में से 127 मीटर माइनस कर देंगे तो आपके पास रोप की जो लेंथ लेफ्ट है वट आ जाएगी, दैट इज 73 मीटर. ओके, अ पीस ऑफ वायर इज 3 मीटर 65 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अदर पीस इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग. वट इज द टोटल लेंथ. दोनों लेंथ को प्लस किया, ठीक है, और आपके पास टोटल लेंथ आ गई 2 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें. अ शॉपकीपर सोल्ड 16 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ ब्लू सिल्क ऑन मंडे. मंडे को इतना सिल्क सेल हुआ और ट्यूसडे के मंडे को इतना सिल्क उसने बेचा, ठीक है, 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑन ट्यूसडे, और इतना ट्यूसडे को बेचा और 10 मीटर ऑन वेंसडे, वेंसडे को इतना बेचा. तीनों को प्लस कर लेंगे टोटल आपके पास लेंथ आ जाएगी सिल्क की. 5 पार्ट. सलीम पेंटेड 28 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ऑफ पाइप. इतना पाइप सलीम ने पेंट किया लंच से पहले एंड लंच के बाद 6 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर उसने पाइप पेंट किया. तो टोटल पाइप की लेंथ कितनी पेंट हो गई वो दोनों को प्लस करके पता चलेगा. दोनों लेंथ्स को आपने ऐड कर लिया और आपके पास टोटल लेंथ ऑफ पेंटेड पाइप क्या है, 35 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. पार्ट नंबर 6. मिस्टर हसन इज 1 मीटर 76 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, टॉल ही इज सॉरी हिज सन समी इज 97 सेंटीमीटर टॉल. ठीक है, उस उनका जो बेटा है 97 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. ठीक है, हाउ मच टॉलर इज मिस्टर हसन देन समी. तो आप मिस्टर हसन की हाइट में से समी की हाइट को निकाल लेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी कि वो उससे कितने बड़े, राइट. ये माइनस करने के बाद 79 सेंटीमीटर. मिस्टर हसन इज 79 सेंटीमीटर टॉलर देन समी. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 7. अ ड्रेनेज पाइप 20 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ड्रेनेज पाइप की लेंथ बताइए. इस कट इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में डिवाइड किया गया. इफ वन पीस इज 12 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस. एक पीस इतना लंबा है तो दूसरा कितना होगा. 20 मीटर 15 सेंटीमीटर में से ये वाली एक पीस की लेंथ निकाल देंगे, दूसरे पीस की लेंथ आ जाएगी. फर्स्ट पीस इज 7 मीटर 45 मीटर 42 सेकेंड. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस. तो दूसरा पीस कितना लंबा होगा, दूसरा पीस की लेंथ क्या है, दैट इज वो मैं आपको नीचे लिख के बता देती हूँ. ठीक है, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, ऑफ सेकेंड पीस 7 मीटर 45 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 8. अ लैम्प पोस्ट इज 12 मीटर लॉन्ग. इतना मीटर लैम्प पोस्ट है. 1 मीटर 56 सेंटीमीटर ऑफ द पोस्ट बिलो इज पोस्ट इज बिलो द ग्राउंड. तो उसकी इतनी हाई लेंथ जो है वो ग्राउंड के अंदर है. सो दैट द पोस्ट विल नॉट बी ब्लोन ओवर, ताकि वो निकल उड़ ना जाए हवाएं. तो हाउ मच ऑफ द लैम्प पोस्ट इज लेफ्ट अबव द ग्राउंड. तो 12 मीटर में से 1 मीटर 56 में सेंटीमीटर माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर 44 सेंटीमीटर. ठीक है, इमरान द टेलर, इमरान टेलर है, इज गिवन 6 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ टू मेक अ ड्रेस. इतना कपड़ा उसको दिया गया, ठीक है, ड्रेस बनाने के लिए. ही यूजेस ओनली 3 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर. ड्रेस के लिए उसने इतना कपड़ा यूज़ कर लिया. हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट ओवर. पीछे कितना कपड़ा बचा, तो आपने 6 मीटर और 60 सेंटीमीटर में से माइनस कर लेना है 3 मीटर 92 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं,
कि माइनस करने के बाद क्लोथ कितना बचा, उसके पास कपड़ा कितना बचा, 2 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। अब वो नेक्स्ट उसके बाद पूछते हैं कि एक ड्रेस के लिए कितना यूज़ हुआ, वो हमने लिख लिया क्लोथ यूज़ फॉर ड्रेस, ए वन ड्रेस या ड्रेस लिख लें आप 3 मीटर 92 सेंटीमीटर। अब कौन सा पीस इनमें से लार्जर है, जो क्लोथ बचा है या जो ड्रेस के लिए यूज़ हुआ है, सो दिस इज़ लार्जर, ठीक है, जो ड्रेस के लिए, पीस यूज फॉर ड्रेस इज लार्जर। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब कितना लार्जर है इससे, तो 3 मीटर 92 सेंटीमीटर में से ये वाला माइनस कर लेंगे, लेफ्ट वाला 2 मीटर 68 सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाउ मच लार्जर क्वेश्चन मार्क, और कितना है जी 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 आपने एज इट इज़ बुक से उतारना है और उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी अप टू कहाँ तक है वो मैं आपको देख के बता देती हूँ, वो फिर आपने खुद करने हैं, एफ तक पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है, इसका मैप बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आपने यहाँ तक लिखना है, मैप अगर ड्रॉ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इच्छो कि आप बुक से सिर्फ देख लें। फिर पार्ट नंबर ए से लेके एफ तक आपने क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है खुद से, दिस इज़ द होमवर्क, वो सारा मैंने क्लास वर्क आपको करवाया है, और ए से लेके एफ तक आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, अभी ये पेज नंबर 149 है, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 115 आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।